स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित, कितना सीखा एक भाग दो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं, भाग एक पढ़ चुके हैं, भाग दो हम लोग पढ़ेंगे। भाग दो में हम लोग सवाल नंबर नौ से पढ़ेंगे, सवाल नंबर 8 तक भाग एक में हम बता चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग भाग दो के 9वें सवाल पर और देखते हैं कि सवाल है क्या। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है, शांति की मासिक आय 3500 रुपया है, वह 2800 रुपये घर के खर्च के लिए रखकर शेष डाकघर में जमा कर देती है। शांति ने 2 वर्ष में डाकघर में कुल कितने रुपए जमा किए? तो सबसे पहले लिखेंगे कि शांति की मासिक आय बराबर आय बराबर 3500 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे शांति की मासिक खर्च बराबर 2800 रुपये, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे शांति की मासिक बचत बराबर, दोनों को माइनस कर लेंगे, 0 हो जाएगा 0, 15 में से 8 गया 7 बचेगा, और यहाँ पर जगह कैरी दे दिया था 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, इसको नहीं लिखेंगे, इतना रुपया हो गया, ठीक है ना। वो मासिक बचत करता है, 2 साल बचाना है, तो 1 वर्ष बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 माह, तो 2 वर्ष बराबर 24 माह। ऐसा कर सकते हैं कि 12 × 2 ऐसा करके निकाल सकते हैं कि 24 माह, ऐसा लिख सकते हैं माह। तो यहाँ पे 1 माह में बचत बराबर शांति का लिखेंगे, शांति की 1 माह में बचत बराबर 700 रुपये। तो 24 माह में निकालेंगे तो 700 × यहाँ पर करना कर लेंगे 24, क्योंकि 24 माह में बताना है, तो 700 × क्या हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। अब दोनों को जब गुणा कर लिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 0 0, 7 में 4 का गुणा करेंगे, 7 × 4 = 28, और कैरी कितना हो गया 2, 7 × 28 = 8 हासिल किया जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, मतलब 16800 रुपये उसने 2 सालों में क्या किया, बचाया, यही क्या हो जाएगा आंसर। एक कारखाने में 1 वर्ष में 240,000 LED बल्ब बने, यदि प्रत्येक माह में बने बल्बों की संख्या समान हो तो 1 माह में कितने बल्ब बने? तो लिखेंगे एक वर्ष में बने बल्बों की संख्या बराबर 240,000, ठीक है, 240,000 है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एक वर्ष बराबर 12 माह अर्थात ये भी तो लिख सकते हैं, अर्थात एक वर्ष में जब 12 महीना होता है तो इसका मतलब अर्थात लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, अर्थात कि 12 माह में बने बल्ब बराबर 12 माह में बने बल्ब बराबर बल्बों की संख्या बराबर वही रहेगा सेम 240,000, क्योंकि दोनों जब सेम है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एक वर्ष में बनता है 240,000, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात मतलब 12 महीने में भी 240,000 बनेंगे। तो अब जब 12 महीने में 240,000 बन रहे हैं तो एक माह में बने बल्बों की संख्या बराबर 240,000, और यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 12। अब 12 से भाग दे लीजिए आप लोग, तो यहाँ से 12 से कितनी बार में कट जाएगा, 12 × 2 = 24, 2 बार में कट जाएगा, कितने 0 बच जाएं, 1 2 3 4 4 0 लगा लीजिए, 1 2 3 4, अर्थात यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि 20,000 कितने बनेंगे, 20,000 बल्ब बनेंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है, 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे? पहले लिखेंगे कि 60 मिनट बराबर 1 घंटे
एक घंटे, ठीक है ना। तो 1800 मिनट बराबर 1800 रहेगा यहाँ पे, 1800 मिनट बराबर, मिनट बराबर 1800 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। देखिए जीरो से जीरो से कटा लेंगे, 6 का तीन बार पहाड़ा पड़ेंगे, 36 18 तीन बार में कट जाएगा और जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, मतलब अर्थात ये 30 घंटे होंगे, घंटे होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि 30 घंटे होंगे। ये बहुत सिंपल सा सवाल था, आराम से आप लिख सकते हैं 1800 मिनट में कितने घंटे होंगे। जानते हैं आप लोग 60 मिनट बराबर एक घंटा, तो 1800 मिनट बराबर 1800 बट्टे में 60 इक्वल टू 30 घंटा, ये आ गया हमारा, ठीक है। गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात कीजिए, क दिया हुआ है 18 और 24, इसका हम लोग को मौसा निकालना है। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान देंगे, गुणनखंड विधि से कहा है, तो जब भी अगर मौसा निकालने के लिए गुणनखंड विधि से कहेगा तो आप डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे 18 और इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2 से चला जाएगा, कितने 9 बचेगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 9 3 बचेगा, फिर 3 से करेंगे खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा 24 और 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से ले जाएंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से लिखाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 और फिर 3 से कर लेंगे ये हो जाएगा। लेकिन कहा है मौसा निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे म और स, ठीक है, इक्वल। अब दोनों में जो कॉमन है उसी को लेंगे। देखिए एक चीज़ और भी करते हैं, जब कोई भी नंबर से निकलता है तो सबसे पहले 1 का इसमें लिख लेते हैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 है ना, तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 दोनों में कॉमन है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक 3 है और यहाँ पे एक 3 है, दोनों में 3 और 3 कॉमन है तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे एक 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे एक 3 इस 3 के साथ कॉमन हो चुका है, तो इस 3 का कोई जोड़ा नहीं मिल पा रहा, इसमें नहीं मिल पा रहा, जोड़ा नहीं इसमें मिल ही नहीं पा रहा, इसका मतलब यही नंबर होगा। अब गुणा करने के बाद जो आएगा वही मौसा हो जाएगा, मतलब 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 कम 2, 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इस तरीके से 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा मौसा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिखे हैं, तो आप ध्यान से इसको करेंगे कैसे, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ये गुणनखंड विधि हो गया, भाग विधि से करना होगा तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 18 में हम लोग यहाँ पे 24 का भाग देंगे, ठीक है ना, 18 में 24 का भाग देंगे, एक बार जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 18 यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे एक हाँसी दे देगा तो यहाँ पे 14 में से 8 का कितना बचेगा हमारा 6 और यहाँ पे ये कट जाएगा। अब 6 में हम लोग भाग देते हैं 18 का, जिससे मतलब कि यहाँ पे 6 से भाग देंगे 36 18 और जिससे ये पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, 6 से पूरी पूरी विभाजित हो रहा ना, इसका मतलब मौसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ये भी एक तरीका है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ये भाग विधि हुआ, लेकिन कहा है गुणनखंड विधि से तो इसको नहीं लगाएंगे, इसी को आप लगाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके ख वाले नंबर पे, ख वाले क्वेश्चन पे, कह क्या रहा है, यहाँ बोला है ख में इसने कि 4 8 और यहाँ पे 12 का, यहाँ पे बोला है 12 का, ठीक ना, मौसा निकालना है। तो सबसे पहले 4 लिखेंगे और इसको करेंगे 2 × 2, 2 × 4 होता है, फिर यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 8 में क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब देखिए मौसा फिर से लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा म स, और मौसा लिखने के बाद देखिए जो कॉमन है उसको लिखेंगे, 1 2 है तो इसमें सबसे पहले हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, 2 लिख लेंगे, लेकिन 1 भूलेंगे नहीं, सब में 1 होता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 हम बार बार आप लोगों के सामने नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन 1 आप लोग लगाएंगे, यहाँ पर जगह 1 सब में कॉमन है इसलिए 1 लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर 2 देखिए, 2 सब में कॉमन है तो 2 लिख लेंगे, फिर 1 2 कॉमन है सब में तो 2 एक और लिख लेंगे। अब देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब 3 नहीं लिखेंगे। अब 2 एक एक्स्ट्रा है इसमें, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे। अब सबका गुणा कर लेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 एक कम 2 और 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 4, और जो 4 आया है वही क्या हो जाएगा हमारा मौसा। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए ग में हम लोग करते कैसे हैं, ग वाला क्वेश्चन, ठीक है, ग वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 7 और 9 का, और 9 का मौसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3 का गुणनखंड करेंगे, 3 का गुणनखंड कैसे करते हैं, 1 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना, 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा। फिर 7 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ पे कर लेंगे हम 9 का, तो 9 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 और गुणे सॉरी 1 भी रहेगा, 1 पहले लिख लेंगे, 1 गुणे यहाँ पर जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा 3। अब सब में कॉमन मौसा निकालते हैं, तो सब में मौसा निकालने के लिए कॉमन खोजते हैं, तो सब में कॉमन क्या है, 1 है, तो सबसे पहले 1 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है ना, इसमें 3 है, जब कॉमन तीनों में नहीं मिला है तो 3 नहीं लिखेंगे,
अब सात को चेक करते हैं, सात क्या तीनों में है? नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर तीन को चेक करेंगे, तीनों में है? नहीं है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। मतलब इसका जो मासा आएगा वो क्या हो जाएगा? एक। और यही इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। 14, 21 और 35 का हम लोग का मासा निकालना है, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले 14, 35 और 21 का मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 14 सबसे पहले लिखते हैं, और 14 का हम लोग निकालेंगे दो, और गुणे कितना हो जाएगा? पहले एक भी लिखेंगे, एक गुणे दो गुणे कितना हो जाएगा हमारा? सात। देखिए सात दो ना 14। अब यहाँ पे 21 को करेंगे तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा? एक गुणे यहाँ पे जाएगा तीन गुणे यहाँ पे जाएगा सात, सात हो गया। अब देखिए यहाँ पे 35 को करते हैं तो 35 का क्या हो जाएगा हमारा? एक गुणे यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा पांच, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा? सात। देखिए सात बचे 35। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे निकालते हैं, तो एक तो सब में कॉमन रहता है। अब निकालने का तरीका देखिए गुणनखंड विधि से। यहाँ पे पहले 14 लिखेंगे, और 14 निकालने के बाद यहाँ पे दो से पहले ले जाते हैं, कितना बार आया यहाँ पे? सात आया। फिर सात से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक। मतलब एक दो सात ऐसे लिखा है। देखिए एक है यहाँ पे तो एक, फिर दो है तो दो, और ये सात सात लिख लिए। अब देखिए इसी प्रकार से अगला है हमारा 21, तो 21 को देखिए ऐसे करते हैं। 21 को यहाँ पे दो से कर, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तीन से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा सात, फिर सात से कर लेंगे तो कितना जाएगा? एक। फिर देखिए एक तीन और सात, मतलब यहाँ पे जाएगा एक तीन और सात। फिर अगला अगर मान लीजिए बोलता है हमें कुछ करने के लिए, तो अगला नंबर अगर मान लीजिए हम लोगों का 35 है, 35 को अगर निकालना है तो इस तरीके से निकालते हैं। कैसे निकलेगा यहाँ पे? सबसे पहले हम लोगों का करना पड़ेगा पाँच से, तो पाँच से करते हैं तो सात बार में जाएगा, फिर सात से करेंगे तो एक आ जाएगा। तो देखिए एक पाँच और सात, एक पाँच और सात इसमें। अब मौसा देखते हैं, तो मौसा निकालने के लिए सबसे पहले तीनों में कॉमन क्या है? तो मौसा यहाँ पे लिख लेंगे म और स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक, और सब में कॉमन और कुछ दिख रहा है? सात दिख रहा है, तो गुणे कर लेंगे हम लोग सात, ठीक है ना। ना ही दो कॉमन है सब में, ना ही तीन कॉमन है, ना ही पांच कॉमन है, सिर्फ कॉमन क्या है हमारा? सात। तो यहीं पर क्या हो जाएगा? एक गुणे सात बराबर क्या हो जाएगा हमारा? सात। और इसका मौसा क्या हो जाएगा हमारा? सात। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 13वें सवाल पे। 13वां सवाल में बोला है लसा बताओ। तो देखिए इसमें ये नहीं बोला है गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। मैं आपको दो तरीके बता दूंगा, आप दोनों तरीके से करिएगा, चाहे आप एक करके कर सकते हैं या अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि देखेंगे। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं हम लोग? पहले तीन लिखते हैं और तीन का गुणनखंड, मतलब एक गुणे क्या कर लेंगे हम लोग? तीन। फिर पांच लिखेंगे और पांच में क्या कर लेंगे? एक, और गुणे कितना कर लेंगे? पांच। लेकिन ये लसा है तो लसा में हम लोग कॉमन होता है वो भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे जगह लसा कॉमन क्या है? एक। और इसमें तीन कॉमन नहीं है तो तीन भी लिख लेंगे, और पांच कॉमन नहीं है तो पांच भी लिख लेंगे और गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे एक में तीन का गुणा करेंगे, तीन कम तीन, तीन में पांच का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? पंद्रह। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पंद्रह, और यही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। अब दूसरे तरीके में हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका, इसी का दूसरा तरीका। अगर मान लीजिए कि अगर तीन और ये पांच दोनों का साथ में ले सकते थे ऐसे, ठीक है ना, ये भी गुणनखंड विधि हुआ। यहाँ पे जाएगा तीन से ले जाएंगे, यहाँ पे जाएगा एक हो जाएगा, फिर पांच बच जाएगा। फिर पांच से ले जाएंगे, यहाँ पे जाएगा एक हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ ले सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया? ल स, और इसे लिखेंगे ल और स, और इसका उल्टा तीन, और गुणे कितना कर लेंगे? पांच, और इसको लिख सकते हैं पंद्रह। तो हमें यही आला अच्छा है, इसी को यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला नहीं है किसको करना है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, ख ग, मतलब ख ग और घ पे, ठीक है। ख दिया हुआ हमारा 8 और 25 का हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से करेंगे, 8 कर लेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? दो गुणे यहाँ पे जाएगा दो गुणे यहाँ पे जाएगा दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे जगह 25 को करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक गुणे यहाँ पे जाएगा पांच गुणे यहाँ पे जाएगा हमारा पांच। अब देखिए इसमें भी एक होगा, तो एक दोनों में कॉमन है, लसा निकालना है, तो ल और स लिखेंगे, इसका टू एक है तो एक लिख देंगे गुणे। अब दो इसमें कॉमन है नहीं है ना, तो भी दो लिखेंगे, फिर भी कॉमन नहीं है फिर भी दो लिखेंगे, फिर दो लिखेंगे। कॉमन रहेगा तो एक ही में लिखेंगे, लेकिन कॉमन नहीं रहेगा तो दोनों में लिख लेंगे। अब देखिए गुणे यहाँ पे जाएगा पांच गुणे यहाँ पे जाएगा पांच। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हो जाएगा एक में दो को गुणा करेंगे दो, दो में दो को गुणा करेंगे चार, चार में दो को गुणा करेंगे आठ, आठ में पांच को गुणा करेंगे तो चालीस, और चालीस में पांच को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? दो सौ। तो ये हो जाएगा 40 में 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका से जब हम लोगों का था वो तरीका देख लीजिए। अगर यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 25, अब दोनों को निकाल लेते हैं, तो पहले हम लोग दो से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा कितना? चार, और यहाँ पर 25 रुक जाएगा। फिर दो से करते हैं तो यहाँ पर जाएगा दो, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना।
ये सेकेंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो से फिर से करेंगे तो यहाँ पर जाएगा एक, यहाँ पर जाएगा 25, फिर यहाँ पे पाँच से करते हैं तो पाँच से जब करेंगे तो एक हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा पाँच, यहाँ पे देखिए पाँच से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक और यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक। अब जो बचा है उसको गुणा कर लेंगे, तो पहले लिख लेंगे ल और स, ठीक है ना। अब हम बार बार इस वाले रूल को यूज करेंगे, इस वाले को नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा दो और यहाँ पर गुणे दो और गुणे यहाँ पर हो जाएगा दो, गुणे यहाँ पर हो जाएगा पाँच और गुणे यहाँ पर हो जाएगा पाँच। अब गुणा कर लेते हैं, दो में दो का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा चार, चार में दो का गुणा करेंगे आठ और यहाँ पर हो जाएगा आठ, एक बार और दो रहेगा क्योंकि चार दो है, एक दो तीन 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 ही है सही, ठीक है। यहाँ पर दो में दो का गुणा करेंगे चार, चार में दो का गुणा करेंगे आठ, आठ में पाँच का गुणा करेंगे चालीस, चालीस में पाँच का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और यही किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग ग वाले पे, तो ग वाले जो क्वेश्चन बोला हमारा कि यहाँ पर हो जाएगा 15 और 25 और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा और 30 का, ठीक ना, 30 का। तो पहले लिखेंगे 15, यहाँ पे लिखेंगे 25 और कॉमा लगा के लिख लेंगे 30। अब इसको इस तरीके से लाइन खींचेंगे और कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग दो से करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 15। याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से कटाते हैं, अगर छोटी संख्या से नहीं कटेगा तब उससे बड़ी संख्या से कटाते हैं, ठीक है। तो दो से कटाए, दो से कट जाता था कटा लेते हैं हम लोग। और पीछे हमने बताया कि दो से कटने का रूल क्या होता है, जिसके पीछे जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो, आठ हो, वो संख्या दो से कट जाती है। इसका मतलब ये संख्या दो से कट जाती है, इसलिए दो से कटा लिए। अब तीन से कटने का रूल क्या था कि जोड़ने पर अगर छः आ जाएगा तो तीन से कट जाएगा। इसका मतलब देखिए पाँच एक छः, छः तीन से कट जाता है, मतलब तीन से कटेगा। तीन से कितनी बार में कटेगा, पांच बार में। और यहां पे कितना हो जाएगा 25, तीन से ये नहीं कटेगा क्योंकि सात आ जा रहा है, तो तीन से नहीं कटेगा। फिर इसको तीन से कटाएंगे तो पांच बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको अब पांच से कटा के देखेंगे, क्योंकि पांच से कटने का रूल क्या होता है, या तो पीछे में जीरो हो या तो पांच हो, तो पांच से कट जाएगा। तो पांच एकम पांच, ये भी पांच पांच है 25, फिर पांच एकम पांच, फिर पांच से कटाएंगे यहां पर जाएगा पांच एकम पांच, पांच एकम सॉरी एक को एक ही हो जाएगा, पांच एकम पांच और यहां पर जाएगा एक। अब देखिए इसका लिखेंगे हम लोग लास्ट, यहां पर लिख देंगे ल और स और इसका उल्टी यहाँ पर जाएगा दो गुणे यहाँ पर जाएगा तीन गुणे यहाँ पर जाएगा पांच गुणे यहाँ पर जाएगा पांच और सबका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर जाएगा दो तीन छः, छः पचे तीस और तीस में पांच का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 150 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग घ। तो घ वाले क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 5, 15 और 25 का, और कितने का 25 का निकालना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 5, 15 और यहाँ पर जाएगा कॉमा 25, फिर पाँच से कटाएंगे। तो सबसे पहले दो से चेक करते हैं, दो से कटेगी क्या, किसी के पीछे जीरो है, दो है, चार है, छः है, आठ है, नहीं है ना, नहीं दो से नहीं कटेगा। तीन से कटने के लिए जोड़ के देखेंगे, यहाँ पाँच तो तीन से कटेगा नहीं, दोनों को जोड़ेंगे छः आ जा रहा है, तीन से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तीन से सबसे पहले कटाएंगे, तीन पचे पंद्रह, पाँच एक तीन पचे सॉरी तीन से कटाएंगे तो पाँच तो वैसे ही हो जाएगा और तीन से पचे पंद्रह और यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए पाँच से कटने का रूल क्या होता है, या तो पाँच आ जाए और या तो फिर जीरो आ जाए, तो पाँच है ही तो कट जाएगा। इसका मतलब पाँच से कटाएंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, पाँच पचे 25, फिर पाँच से कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना एक, ठीक है ना, पाँच एकम पाँच। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे ल और यहाँ पे हो जाएगा स, ल स यहाँ पे जाएगा तीन गुणे पाँच गुणे यहाँ पे जाएगा पाँच, पाँच पचे 25, तीन कितना हो जाएगा हमारा 75 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 14वें सवाल पे। 14वां सवाल हमारा दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दो तीन और पाँच से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, सबसे पहले बात ना ये समझिए कि जब भी छोटी से छोटी संख्या दे देगा तो हम लोगों को लसा निकालना होगा। तो लिख देंगे वह छोटी से छोटी संख्या बराबर यहाँ पे सबका एलसीएम निकाल लेंगे। अब कितना हो जाएगा इसके नीचे जस्ट लिखेंगे 2, 3 और 5 और इसको लिख लें ऐसे निकालेंगे। दो से करेंगे सबसे पहले, दो एक कम दो तीन हो जाएगा, फिर पाँच हो जाएगा। फिर अब तीन से कटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा एक हो जाएगा, एक हो जाएगा और पाँच हो जाएगा। फिर पाँच से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, एक हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा एक हो जाएगा। तो इसका मतलब लसा फिर से लिखेंगे या फिर छोटी से छोटी संख्या जो लिखे थे उसमें लिख देंगे दो गुणे यहाँ पे जाएगा तीन और गुणे यहाँ पे जाएगा पाँच और गुणा करने के बाद लिख देंगे दो तिहाई छः और छः पचे तीस। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है,
30 है, जिससे क्या करने पर हम लोगों को पूरी पूरी की संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मतलब इससे अगर भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, तो पूरी पूरी संख्या नहीं, वह संख्या 30 है जो इससे 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 पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 से कटा के देखिए 30 को, 15 बार में कट जाएगा। 3 से कटा के देखिए 30 में, 3 दाम 30 कट जाएगा। 5 से 30 को कटा के देखिए 5 अगर 30, 6 बार में कट जाएगा। तो आप इस तरीके से, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, इसको नीचे भी लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बराबर 2 × 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके 15वें सवाल पे और देखते हैं कि 15वां सवाल है क्या। 15वां सवाल हमारा दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 15, 30 और 45 को पूरी पूरी तरीके से क्या करें, बांटा जा सके। 15, 30 और 45 से पूरा पूरा बांटा जा सके। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सवाल में अगर छोटी से छोटी संख्या देगा तो हम लोगों को निकालना होता है लसा, लेकिन अगर किसी संख्या में बड़ी से बड़ी दिया हुआ है तो उसमें हम लोगों को निकालना होता है मसा। तो वही सेम कंडीशन लगाएंगे। अब मसा में एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना ही बोला है गुणनखंड विधि से, ना ही बोला है भाग विधि से, आपको जो अच्छा लगता है, मैंने दोनों बता दिया है, आप जो अच्छा लगता है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ हमारा 15 और यहाँ पे दिया हुआ हमारा 30 और लिखा हुआ है कितना हमारा 45। तो सबसे पहले आप देखिए भाग विधि से हम लोग कर लेते हैं, आसान पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें जो छोटी नंबर होती है उसको उठाते हैं, उससे बड़ी संख्या जो होती है उससे उठाते हैं 30। 30 से भाग दे देंगे हम लोग, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 30 पूरी तरीके से कट जाता है। जब कट जाता है तो जिससे कटता है उसी नंबर को लिखते हैं 15 से और उसी नंबर से फिर भाग दे देते हैं हम लोग 45 में। तो अब दे देंगे तो यहाँ पर जाएगा 15 या 45, ये नंबर जो है 15 जो है ये 45 को भी काट दिया और 30 को भी काट दिया। अतः लिख सकते हैं कि अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या क्या हमारा 15 है, 15 है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे यहाँ 15 दे दिया, 15 को निकालना है तो यहाँ पे जाएगा 1 गुणे यहाँ पे जाएगा 3 और गुणे यहाँ पे जाएगा 5। फिर यहाँ पे अगर 30 को निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है ना। फिर यहाँ पर अगर 45 को निकालना हो तो आप लिख सकते हैं 1 गुणे यहाँ पर जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, फिर 3 और गुणे यहाँ पर जाएगा 3 और गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 5। अब देखिए सब में जो कॉमन है उसी को मतलब मसा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मसा या फिर लिख सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, लिख के अब गुणा करना पड़ेगा। देखिए एक सब में कॉमन है, 1 लिख लेंगे। अब देखिए 3 किसी में कॉमन है, इसमें कॉमन है, हाँ यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए 3 के बाद 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं यहाँ पे 2 है, 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ का सारा 3 ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे भी 3 नहीं होगा, मतलब जो बच रहा है वही होगा। अब देखिए 1 में 3 को गुणा करेंगे 3 कम 3, 3 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15। मतलब इस तरीके से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 15। तो आप जैसा आप कंफर्टेबल समझे वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ये वाला बेहतर पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15वां सवाल। अब आते हैं हम लोग 16वां सवाल पे। वह बड़े से बड़े बर्तन किस माप का होगा जिसे 6, 8 और 10 लीटर दूध पूरा पूरा मापा जा सके। तो सबसे पहले आपको यही बताया था हमने कि बड़े से बड़े दिया होगा तो मसा करते हैं। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग 6, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10। मसा निकालना है, सबसे छोटी संख्या क्या है 6, तो 6 लिख देंगे, उससे बड़ी संख्या क्या है 8, तो 8 लिख देंगे और भाग देंगे। इसमें कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6 और माइनस करते हैं, माइनस करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब जो 2 शेषफल बच गया उससे भाग देते हैं हम लोग 6 में, ये वाला 6 इधर उतर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 6। यहाँ पर देखिए 2 से 3 बार जाएगा और 6 ये पूरी तरीके से काट देगा। जिस नंबर से पूरी तरीके से कटता है, जो नंबर से पूरी तरीके से कटता है उसी नंबर से हम लोग अगले वाले नंबर में भाग देते हैं। मतलब 2 से हम लोग अब फिर से किसे ये काटा है ना पूरी तरीके से, तो 2 से हम लोग 10 में भाग देंगे तो 2 से 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 10 और ये पूरी तरीके से इसको भी काट दिया। इसका मतलब कौन ऐसा नंबर है जो दोनों को पूरी तरीके से काट रहा है, दो ना, तो इसका मतलब वो कौन सा नाप होगा कि पूरी पूरी तरीके से नाप लेगा तो वो 2 लीटर का होगा। मतलब कि वह बड़ा से बड़ा किस माप का होगा, 2 लीटर माप का होगा, ठीक ना। तो ऐसा मासा लिख देंगे, मासा
या फिर लिख सकते हैं आता हुआ माप 2 लीटर का होगा, 2 लीटर ऐसे लिख सकते हैं, 2 लीटर का होगा, जिसे हम पूरी पूरी तरीके से माप सकते हैं। ठीक है, आप आंसर जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, मतलब जैसे मन वैसे नहीं, जो लिखा हुआ ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग 17वां सवाल और देखते हैं उसको कैसे करते हैं। 17वां सवाल देखने से पहले आप लोग अगर चाह रहे होंगे तो आप लोग गुणनखंड विधि से भी यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे 6 को अगर देखते हैं तो यहाँ पर जाएगा 1 गुणे, यहाँ पर जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर जाएगा 3, और यहाँ पर फिर से करते हैं हम लोग 8 को तो यहाँ पर जाएगा 1 गुणे, यहाँ पर जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर जाएगा 2। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 को करते हैं तो यहाँ पर जाएगा हमारा 1 गुणे, यहाँ पर जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर जाएगा हमारा 5। अब देखिए इसका अगर मौसा निकालते हैं, मौसा तो मौसा जब निकालना है तो हमने बताया जो कॉमन है तो उसको लेते हैं, 1 है कॉमन तो 1 लिख लिए गुणे। अब देखिए 2 सब में कॉमन है, यहाँ पे 2 ये 2 ये 2 तो 2 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कहीं नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 है और 2 कहीं नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 है 2 कहीं नहीं है नहीं लिखेंगे, 5 है 5 और कहीं नहीं है तो 5 नहीं लिखेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो वो 2 लीटर का बर्तन होगा जिसे पूरी तरीके से मापा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी वही आंसर आ गया। ये सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यहाँ पे भी बता रहे हैं यहाँ पे भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक ना, ये दोनों तरीका बता रहा हूँ साथ साथ में आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, 17वें सवाल पे, और देखते हैं कि 17वां सवाल है क्या। 17वां सवाल हमारा दिया हुआ है, कुछ फूल 54, 48 और 40 की ढेर में पूरी पूरी तरीके से रखे जा सकते हैं, बताओ कम से कम कितने फूल हैं। देखिए कम से कम पर हम बार बार जोर दे रहे हैं, जहां कम से कम दिया हुआ है इसका मतलब हम लोगों को निकालना है लसा, अधिक से अधिक दिया हुआ है, बड़ा से बड़ा दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा दिया हुआ है, वहाँ पर निकालना होता है मसा। कम से कम दिया हुआ, छोटी से छोटी दिया हुआ है, या थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तभी भी आपको निकालना होगा लसा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, गांठ बना लेंगे अपने दिमाग में कि जहां बड़ी से बड़ी संख्या दिया होगा वहां पे मसा, और जहां छोटी से छोटी संख्या दिया होगा वहां पे लसा। तो देखिए हम लोग लसा निकालते हैं, जैसे यहां पे दे दिया हमारा 54, यहां पे 48 और दूसरा नंबर है हमारा 40। अब इसका हम लोग लसा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 एकम 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, 0 लगा लेंगे, फिर 2 से करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा क्योंकि दोनों यहाँ पे पीछे में 2 से जाने के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, इसमें से कोई भी नंबर नहीं है 2 से नहीं जाएगा, इसलिए 2 से चला जाएगा क्योंकि 0 नहीं है लेकिन 2 भी नहीं है लेकिन 4 है, तो 0 ये चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए 27 को 27 लिखेंगे लेकिन यहाँ पे 2 एकम 2 2 दूनी के 4, फिर ये 0 से 0 है पीछे, इसका मतलब 2 से चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तरीका है जो बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको, फिर से 2 से चला जाएगा कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे जाएगा 27, फिर इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6, फिर यहाँ पे करेंगे 5, फिर से 2 से चला जाएगा कोई भी नंबर क्योंकि 2 से 6 है इसलिए 2 से चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 27, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखिए 3 से जाने के लिए यहाँ पे 3 है तो 3 से पहले ले जाते हैं, लेकिन 3 से ये भी चला जाएगा क्योंकि 7 2 9 होता है, 9 3 से जाता है, इसका मतलब ये जाएगा, मतलब 3 9 27 9 बार में ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए 5 से इसको ले जाएंगे क्योंकि 5 है इस नंबर में, तो 5 को ले जाते हैं, या फिर 3 से ले जा रहे थे तो 3 से एक बार और ले जाते हैं क्योंकि 9 है तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3 और यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा 5, फिर 3 से ले जाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा 5, और फिर 5 से ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 और 1। अब देखिए सेम तरीके से लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर हो जाएगा ल स ल और स इसकल्ट, यहाँ पर जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर जाएगा हमारा 2, 1 2 3 4 है 2 तो 4 2 लिख लिए, फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे, यहाँ पर जाएगा 3 गुणे, यहाँ पर जाएगा हमारा 3 और गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 5, इस तरीके से हो गया। अब देखिए गुणा कर लेते हैं हम लोग, 2 दुनी के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 में डायरेक्टली 5 का गुणा कर लीजिए, 16 5 कितना होता है हमारा 80, तो 80 लिख लीजिए आप ऐसे 80 गुणे, आप 3 का गुणा कर 3 3 के 9, 9 दुनी 27, तो यहाँ पर लिख दीजिए 27। अब देखिए 27 ऐसा क्यों किया, क्योंकि गुणा करने में आसानी होगा, अब 8 का आप लोगों को पढ़ा याद होगा तो 8 का गुणा कर लेंगे, पहले 0 है तो 0 लगा लीजिए, फिर 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 8 7 56 को 6 और हासिल कितना हो जाएगा हमारा 5, और 8 दुना का 16, 5 कितना होता है 21, तो 21 आ गया। इस तरीके से मतलब कि इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। पूछा क्या है कि उसमें बताओ कि कम से कम कितने फूल होंगे, तो कम से कम कितने फूल हो सकते हैं 2160, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिख सकते हैं कम से कम
यहाँ पर हो जाएगा 2160 फूल होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा फूल होंगे होंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर हुआ ख़त्म, मतलब कितना सीखा, एक ख़त्म हुआ। अब आगे की वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।